हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पीके गिरी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1। ओके, एक्टिव मैथ्स स्टूडेंट्स हैं जो हमारे स्कूल के सिलेबस हैं, वो उसके अकॉर्डिंग टू मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ ग्रेटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 921 है और ये 2351 है। तो स्टूडेंट्स कौन बड़ा होगा? तो 2351 ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स। इसमें कौन सा ग्रेटर होगा? तो ये ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स, यानी 4567, यानी 4567। इसमें स्टूडेंट्स कौन सा ग्रेटर होगा? तो ये ग्रेटर होगा 10532। ओके, डी नंबर में स्टूडेंट्स 320 ग्रेटर होगा, तो 320, और ये है स्टूडेंट्स 4375, और ये 5375। स्टूडेंट्स दिस वन इज़ ग्रेटर, 5375। ओके स्टूडेंट्स, विच वन इज स्मॉलर, इस दोनों में से कौन छोटा है? तो स्टूडेंट्स 79 छोटा है, ये है 569, ये है 4653, ये छोटा हो गया स्टूडेंट्स, यानी 569। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 273 होगा स्मॉलर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डी नंबर में 500 होगा स्मॉलर, और ई नंबर में जो स्टूडेंट्स है ना वो होगा 756 स्मॉलर होगा। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, पुट ग्रेटर और लेस देन इन द बॉक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है, उसी का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आपको। तो दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन जो है वो ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये 41 है, 4129 है, ये 2193 है, इसलिए ये ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स। इनमें कौन सा ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये देखिए 33 है, 33417 है ये, और ये देखिए 7651 है, इसलिए ये होगा बड़ा। स्टूडेंट्स ये 28348 है, 28348 है, और ये इसलिए ये बड़ा होगा। ओके, डी नंबर में स्टूडेंट्स, डी नंबर जो है वो आप का ये बड़ा होगा, ई नंबर जो है स्टूडेंट्स ई नंबर में आपको जो है ये बड़ा होगा, एफ नंबर में जो है वो एफ नंबर में स्टूडेंट्स ये बड़ा होगा स्टूडेंट्स एफ नंबर में। ओके, और जी नंबर जो है आपका स्टूडेंट्स वो ये बड़ा होगा, और एच नंबर जो है स्टूडेंट्स आपका वो ये बड़ा होगा, और आई नंबर जो है स्टूडेंट्स ये बड़ा होगा, और जे नंबर जो है स्टूडेंट्स वो ये बड़ा होगा। ओके, फोर नंबर में आते हैं स्टूडेंट्स कि रमेश एंड सुरेश वेंट टू बाय अ कोट, देयर वर मैनी कोट्स अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर, कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है स्टूडेंट्स आपको दिखाना है ए नंबर का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हैं स्टूडेंट्स हम आपको। 1878, ओके, 1975, 2753 हो जाएगा, आफ्टर 2945 हो जाएगा, और 3579 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने क्वेश्चन से मैच करेंगे इस आंसर को स्टूडेंट्स। बी नंबर जो है वो कह रहा है क्या कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको, इंक्रीजिंग मिस बढ़ते हुए, डिक्रीजिंग मिस क्या हो जाएगा घटते हुए। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी 3579 आफ्टर 2945 स्टूडेंट्स, उसके बाद 2753, फिर 1975, फिर स्टूडेंट्स 1878। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन है? तो स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट जो नंबर है स्टूडेंट्स वो है ये 30 नंबर, यानी 4982 जो है ये ग्रेटेस्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट जो है स्टूडेंट्स आपका वो नंबर जो है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 4377
जीरो। ओके स्टूडेंट्स, बी नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, 15900 है, और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, 15073। ओके, सी नंबर जो है वो सी नंबर में आपका ग्रेटेस्ट 25286 नंबर है, ये जो है ना ग्रेटेस्ट है आपका 25286। ओके, दिस नंबर इज़ ग्रेटेस्ट, तो शॉर्टकट लिखते हैं स्टूडेंट्स जी, तो 25286 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट जो है आपका स्टूडेंट्स, सी नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 25210 हो जाएगा। डी नंबर का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा स्टूडेंट्स, 24659 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर जो है बाबू वो हो जाएगा 6395 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टूडेंट्स ई नंबर पे, तो ई नंबर जो है आपका वो ई नंबर में आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट जो है वो क्या होगा, 7584 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट साफ साफ झलकता है स्टूडेंट्स, 111 होगा। एफ़ नंबर में स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो ये होगा, यानी 12002 स्टूडेंट्स। और स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो 124 होगा स्टूडेंट्स, 124। ओके स्टूडेंट्स, आइए सिक्स नंबर पे, सिक्स नंबर पे क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, 5000, आफ्टर जो है वो 7500, फिर क्या होगा 7861, आफ्टर दैट हो जाएगा 85400। ओके, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स सिक्स का ए। अब बी पे आते हैं स्टूडेंट्स, बी जो है वो बी में क्या लिखेंगे, राइट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1971, आफ्टर स्टूडेंट्स 45321, आफ्टर 88715, देन स्टूडेंट्स 92547। ओके स्टूडेंट्स, सी नंबर पे आएंगे स्टूडेंट्स, ये आपका सी नंबर का क्वेश्चन है, तो सी नंबर पे आएंगे, तो सी नंबर पे राइट करते हैं स्टूडेंट्स हम 99031, 10931, 11 स्टूडेंट्स 11901, आफ्टर 13019, देन 19031। आप मैच कर लेंगे स्टूडेंट्स, डी नंबर जो है आपका वो द डी नंबर हो जाएगा आपका क्या स्टूडेंट्स, डी नंबर हो जाएगा आपका 8754, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप तो प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ई नंबर जो है स्टूडेंट्स, ई नंबर राइट करेंगे आपको, ई नंबर का जो क्वेश्चन है वो सामने में स्टूडेंट्स आंसर राइट कर रहे हैं हम, ई नंबर का, तो ई नंबर का आंसर राइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 1075, आफ्टर 51075, देन 51091, 75505, आफ्टर 91045। ओके, एफ नंबर जो है स्टूडेंट्स आपका वो एफ नंबर ये है, तो एफ नंबर जो राइट करेंगे स्टूडेंट्स हम वो 9999, आफ्टर 10000, देन स्टूडेंट्स 28909, 99000, उसके बाद 99999। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है आपको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका।
जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको लिखना है पहले, आफ्टर दैट छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके लिखना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि आपके पास बुक होगा तो बेटर सी बात है स्टूडेंट्स। तो सेवन नंबर का पहला नंबर ए मीन्स हो जाएगा 72187 आफ्टर 83320 देन 571 554। बी नंबर स्टूडेंट्स वो होगा 38802 36501 25751 98001। ओके सी नंबर होगा स्टूडेंट्स 81024 78720 आफ्टर स्टूडेंट्स 70897 ओके देन 54123747 हो जाएगा। सी डी नंबर स्टूडेंट्स जो होगा, डी नंबर जो होगा स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर डी। तो डी नंबर जो हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स वो 7 7 7 4 times 7 लिखना है 0 आफ्टर फिर 7 7 000 7 000 7 000 ये 7 है स्टूडेंट्स। ओके फिर 7 7 7 7 आफ्टर 7 0 0 7। ओके ई नंबर जो है स्टूडेंट्स वो ई नंबर ये है आपका, तो ई नंबर हम राइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स आंसर। तो ई नंबर में 76689 67 यानी 67788 ओके 66789 राइट करेंगे आफ्टर स्टूडेंट्स 55666 देन 67 67। एफ नंबर लास्ट नंबर एफ है राइट करते स्टूडेंट 75589 56471 31049 12000 1206 ओके 12006 स्टूडेंट्स नोट 100। एफ एफ नंबर एफ जी जी है ही नहीं स्टूडेंट्स। अब एट नंबर में आते हैं, एट नंबर क्या कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स। किस क्या कह रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स इसको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स यदि आपको राइट करना है तो यानी घटते क्रम में राइट करेंगे, तो स्टूडेंट्स राइट करते हैं सबसे पहले डी होगा, देन सी होगा, देन स्टूडेंट्स बी, फिर जो है वो ए हो जाएगा और फिर क्या होगा ई होगा स्टूडेंट्स। ओके 1.1 का सॉल्यूशन मैं आपको बता दिया हूँ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट 1.2 बताऊंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।